तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे हमारे पास शेड्यूल होते थे सिर्फ 8, ठीक है। फिर बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट होती गई और शेड्यूल बढ़कर कितने हो गए, 12। तो आज हमारे पास जो शेड्यूल्स हैं उनकी वो है हमारे पास 12, ठीक है जी। अब शेड्यूल वन बाय वन देखेंगे तो शेड्यूल वन क्या बोलता है, शेड्यूल वन डिस्क्राइब करता है यूनियन स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, उनके बारे में बताता है। देन हमारी यूनियन सॉरी स्टेट्स, 28 स्टेट्स के बारे में बताएगा, 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताएगा। तो सब कौन से शेड्यूल में लिखा है, वो सब शेड्यूल वन में है। शेड्यूल टू क्या बोलता है, सैलरीज एंड इमोलमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, जजेस हैं, ये सब की सैलरीज और इमोलमेंट्स कहाँ लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यू शेड्यूल टू में लिखे हैं ये, ठीक है जी। देन शेड्यूल थ्री, शेड्यूल थ्री में हमें क्या पता चलता है कि ओथ कौन किसको ओथ दिलाएगा। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है जी। वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्राइम मिनिस्टर को। ये सारे जितने भी ओथ्स एंड अफर्मेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के, ये शेड्यूल थ्री में हमें देखने को मिलते हैं। देन शेड्यूल फोर ये बताता है कि राज्यसभा इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा, तो राज्यसभा ने कितनी सीट्स एलोकेट की हैं किस स्टेट से और किस यूटी से, ठीक है, उसके बारे में बताएगा शेड्यूल शेड्यूल फोर, यानी राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, कहां कहां से कितनी सीट्स हैं, वो सब कौन बताएगा, शेड्यूल फोर बताएगा। देन शेड्यूल फाइव, तो शेड्यूल फाइव बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है जी। जितने भी इंडिया में शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है, उन सबके बाद उनके लिए जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो, उसके बारे में हमें पता चलता है शेड्यूल फाइव से। देन शेड्यूल सिक्स, इसमें मेनली ट्राइबल एरियाज, इसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है, बट उन ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात की जाती है जो कुछ ऐसे हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, AMTM याद कर सकते हो, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें किस हिसाब से, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये शेड्यूल सिक्स बताएगा। देन आता है हमारा शेड्यूल सेवन, तो ये यूनियन और जो हमारा स्टेट्स हैं उनके बीच में पावर की डिवीजन जो है उसको बताता है कैसे। एक्चुअली हमारी जो तीन लिस्ट्स हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट जिसमें लगभग 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, स्टेट लिस्ट जिसमें 61 सब्जेक्ट्स हैं और कॉन्करेंट लिस्ट 52 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट माने जो काम सिर्फ यूनियन करेगा, जैसे हथियार खरीदने हो, वेपन्स खरीदने हो, तो सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, ठीक है। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जैसे जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है स्टेट में, वो किसका काम है, वो स्टेट लिस्ट का काम है, स्टेट लिस्ट में लिखा होगा वो, ठीक है, वो स्टेट ही मेंटेन करेगा। देन कॉन्करेंट लिस्ट, जो दोनों के जिस जिन केसेस में दोनों क्लैश करते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम है, अपना एक एजुकेशन बोर्ड स्टेट्स का भी होता है, CBSE बोर्ड भी होता है, जो कुछ चेंज लाना हो तो दोनों इकट्ठे डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट आ जाता है शेड्यूल एट, शेड्यूल एट में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 लिखी गई हैं, ठीक है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कहाँ देखने को मिलेंगी, शेड्यूल एट में देखने को मिलेंगी। अब शेड्यूल एट तक तो पूरा हो गया जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से लिखा था। अब आता है शेड्यूल नाइन, अब शेड्यूल नाइन में क्या है, लैंड एंड टेन्योर रिफॉर्म्स, इसमें की गई थी जी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, पहली अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है। अब ये क्या था, जैसे जिम्मेदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है जी, लैंड और टेन्योर में कुछ रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है जी, ये शेड्यूल नाइन था। देन आ जाता है शेड्यूल टेन, शेड्यूल टेन है एंटी डिफेक्शन लॉ, ये ऐड किया है 52nd अमेंडमेंट 1985 से। पहले क्या होता था कि कोई एक पार्टी की सीट से जीतता था और जीत के पार्टी बदल लेता था, ठीक है, बट 1985 से क्या ये एंटी डिफेक्शन लॉ आ गया, ठीक है। अब जिस पार्टी से कोई एमएलए या एमपी जीता है वो अपनी पार्टी नहीं छोड़ सकता, ठीक है, अगर वो पार्टी चेंज करता है इलेक्शन जीतने के बाद तो उसको डिस्क्वालिफाई किया जाएगा, तो दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल 11, ये हमें बताता है पंचायती राज के बारे में, ठीक है जी, पंचायती राज, और पंचायती राज किस अमेंडमेंट से आया था, 73rd अमेंडमेंट 1992 से, बहुत इंपॉर्टेंट है अमेंडमेंट भी और शेड्यूल 11 भी। देन शेड्यूल 12, तो शेड्यूल 12 क्या बोलता है, म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताएगा, जैसे विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे जितनी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो पंचायती राज, और अर्बन एरिया जितने हैं उनमें उनके लिए म्युनिसिपैलिटीज, तो किस अमेंडमेंट से है, 74th अमेंडमेंट 1992 से। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।